अब आते हैं आमिर साहब, जो इसकी इसकी ECL की जो हम आपके साथ स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे थे, उसमें जो तमाम जो बड़े लोग हैं जो वहाँ पे इनके केसेस में, शरीफ केसेस में इनके इनके गवाह, सईद अहमद साहब नेशनल बैंक के इस वक्त सदर हैं, कौन बोल उनका सकता नाम भी ECL पे डाला हुआ था सर, उनका नाम भी इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया जाए चुपके से। उनका सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डाला गया था। अक्सर नाम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हैं, कुछ नायब के कहने पे, कुछ FIA के कहने पे, खुफिया तरीके से ये वारदात हो के, ये छोटी बात नहीं है कि लोगों को दौड़ाया जा रहा है कि जिसने जिसने दौड़ना है दौड़ दौड़ जाओ, दौड़ जाओ चुपके से। और ये आपके साथ हम एक्सक्लूसिवली शेयर कर रहे हैं, पूरी पूरी लिस्ट है इसमें। उन्होंने सईद अहमद साहब, आपको पता है सबसे लीथल हैं, डार साहब के खिलाफ तो उसमें जो अहम विटनेस हैं वो हैं। इसके बाद आते मोहसिन हबीब भिड़ाई साहब हैं सर। अब मज़े की बात यह है, 2 दिन पहले यहाँ पे अयाज खान नियाजी जो है, जो आपके NACL उसमें स्कैंडल का मुलजिम है बड़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करवाया है। और जो मेन इसमें था, इसमें मुलजिम था जिससे ज़मीन ली गई थी, मोहसिन हबीब भिड़ाई, और जिसका नाम ECL पे था, इसको भी 30 मार्च वाले दिन इन्होंने बैठ के निकाल दिया सर ECL से। उसका जो की मुलजिम है, जो अयाज खान नियाजी, वो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करा दिया है। पकड़ा गया जो असल है, जिसने पैसे किए थे, फ्रॉड किया था उसके साथ मिलके, उसका नाम ECL से हटा दिया। कि जरा इनकी अब इनकी वारदातें देखें। अमीन ये कासिम दादा, एक और बहुत बड़ा दादा, ये भी NACL ये स्कैंडल में थे, उसी अयाज खान नियाजी के साथ, मोहसिन हबीब वड़ैज के साथ, इनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या NACL का स्कैंडल सुन रही है। उस स्कैंडल के तमाम जो बड़े बिग गन्स हैं, उनका नाम भी ECL से ने चुपके से निकाल दिया सर। इसके साथ आज़ाद कश्मीर के सबक वजीर आजम जो हैं, उनका बेटा उमर जुल्कर्नैन, उनका नाम भी ECL से निकाला है सर। अच्छा, नैब के मेगा यहाँ पे आपके स्कैंडल के एक और मुलजिम है। अच्छा, इससे पहले जो हुआ था वो डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम था, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर इनके आने जाने पर कोई इन पर पाबंदी नहीं लगानी जनाब, वो तो चलो जनाब जज साहब को हुक्म था कि डॉक्टर आसिम को कुछ नहीं कहना, इन्होंने अपनी अपनी मर्जी का इलाज करवाने करवाएं जनाब। इसके बाद अजान अली साहबा, एक बड़ा नाम, उनको भी इसी तरह आपको याद, लतीफ़ खोसा साहब की जान पर बन गई थी वहाँ के, अगर आपने यहाँ पे ना दी तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगा, इसका नाम ECL से निकालें। उन्होंने आके हमारी जान बचाई और उसकी खोसा सब। इसका मतलब मुकमका चल रहा है निगरान हुकूमत के ऊपर, बैकग्राउंड में ये बहुत बड़ी कंसेशन थी जो पीपल्स पार्टी आसूदारी मांग रहे थे जो नहीं दी जा रही। आजकल नैब जो है ना, इस पर नैब पर इल्जाम लग रहा है, और ये क्लैरिफाई करें चेयरमैन नैब साहब के, जनाब के आप पीपल्स पार्टी के कराची के तमाम केसेस जो है ना आप सेटल कर रहे हैं, उनको साथ मिला के टारगेट कर रहे हैं दीगर पार्टीज को, आप इल्जाम लग रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी आपके पीछे खड़ी हुई है। और 2 अरकान ने वहाँ से इस्तीफा भी दे दिया कानून की कमेटी से, नवीद कमर ने, शगुफ्ता जुमानी ने। रीजन कि आजकल आपने सुना हाथ बड़ा हौला रखा हुआ, क्या वो जो बैरिया कराची वाला केस नैब के पास आ गया है तो पीपल्स पार्टी उसके अंदर मेन एक्यूज्ड है। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, आजकल पीपल्स पार्टी के साथ नैब की बड़ी यारी दोस्ती चल रही है सर, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऊपर पे जो बिग ब्रदर्स बैठे हैं, लगता है उन्होंने कहा जरा हाथ हौला रखना है, जरा आजकल हमारी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी से बड़ी अच्छी चल रही है, इनको कुछ ना कहें, ये अंडरस्टैंडिंग वो लग रही है मुझे। इसका सीरियल का नाम था सर, और आपको याद होगा, मैं फिर मैं आगे लोगों को रिमाइंड करूंगा, जिस दिन सीरियल का नाम डाला था ECL में, दुबई भाग रहे थे ये जी। उस दिन इसकी सीरियल की चीखें निकल रही थी सर, जो आज फिर दोबारा पहुंचे हुए थे, आए नवाज शरीफ साहब आपको हीरो बनाते हैं, रो रो के जो हिसाब था, आपको पता है कि कितना खौफजदा था सीरियल और उसका ग्रुप और सारे लोग, उनका नाम भी ECL पे था, वो भी निकाल दिया गया जनाब। इस्माइल कुरैशी साहब का बड़ा नाम, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ पे, उनका भी किराए के बिजली के घरों में आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ आमिर साहब एक और है, यहाँ पे इन्होंने इसहाक डार के और नवाज शरीफ के जितने भी इसमें लोग हैं जो उसमें विटनेस है, उनका नाम निकाल दिए हैं इन्होंने, सारे सब निकल जाएं। उसमें आहत चीमा का नाम इन्होंने ECL पे डाल दिया, जो शहबाज शरीफ जहाँ फंस रहा है, जो शहबाज शरीफ का राइट हैंड है, उसका ब्लू आइड है, उसका नाम जो कहते हैं कि कबीना ने कहा है कि उसका नाम रखना है, ये यहीं पे रहेगा, ये शहबाज शरीफ को हम अंदर करवाएंगे जेल में आहत चीमा के जरिए, इसको नहीं फरार होने देंगे। जरा आप इसमें अंदाजा करें, खेल मुलाहिजा कि आहत चीमा का नाम ECL पे, उन्होंने कहा जनाब 1 साल तक रहना चाहिए, बाकी जितने फ्रॉडी थे जो इनके साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के मेन अक्यूज थे, उनको कहा कि चुपके से आप निकल जाए यहाँ से, जिस चीज को जो फ्लाइट मिलती है निकल जाए। उन्होंने शहबाज शरीफ का खरगोश पकड़ लिया है। क्विकली सर, मैंने अभी FIA से अभी बात हुई है, वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में रियासत एग्जिस्ट नहीं करती, अदालतें हमें पकड़ती हैं, तो हमने अपनी एक ब्लैक लिस्ट बुलाई हुई है, क्योंकि हुकूमत का इस वक्त कोशिश है कि अपने बंदों को निकलवाएं, फंसते हैं हमें जजों के आगे, तो हमने अपनी लिस्ट बनाई हुई है। उनके इस तरह कर्नल जोसेफ साहब का ECL पर नाम नहीं था, वो तो हमें रियलाइज हो गया कि हमने उनको नहीं जाने दिया, बाद में उनको फिर डील हुई तो जाने दिया गया। उनका हमारी अपनी ब्लैक लिस्ट है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रियासत नहीं है, गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश है, उसको ना दारों की परवाह है ना उनको अदालत की परवाह है, वो कह रहे हैं कि बंदे निकलवा दें ताकि ये हमारे खिलाफ वादा माफ गवाह ना बन सके।